यंदा 25 मार्च रोजी गुड फ्रायडे आल्याने त्यापूर्वी पाम रविवार यात्रा नवी मुंबई तमिल ख्रिश्चियन्स द्वारे काढण्यात आली. दरवर्षी गुड फ्रायडेच्या आधी अशा प्रकारे रॅली काढून धार्मिक परंपरेचे महत्व जोपासले जात आहे. पाम रविवार यात्रेचे महत्व उपस्थित फादर ने सविस्तरपणे सांगितले. इस दुनिया में सबको शांति और खुशी और अच्छी तरह से जीना, सबके साथ जीना, यही ये दुनिया का एक संदेश है. हम इसलिए जीते हैं. तो हर एक समय में, हर एक रिलीजन में यही हमको बताया जाता है कि हम खुशी से रहें, शांति से रहें, और हम जो जिसको भगवान मानते हैं, हम जिसको परमेश्वर मानते हैं, वो हमें दुख नहीं देता है, हमें खुशी देता है, शांति देता है. तिथे सामाजिक योगदान देऊन महत्वपूर्ण संकल्पने अंतर्गत ही यात्रा काढली जाते. यंदा पाम रविवार यात्रेत एकतेचा संदेश प्रसारित करण्यात आला. नेरुळ रेल्वे स्थानकापासून या यात्रेला सुरुवात झाली, जिकडे तामिळ ख्रिश्चियन समाज बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. ये हमारा पांचवा साल है, तो इसमें हमें शामिल होना इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर अस. मतलब इसके थ्रू हम सारे देश में जो भी है उनको हम बताते हैं कि एक साथ कैसे रहना, मतलब एकता. ये रैली का जो मेन थीम वो एकता है, यूनिटी. तर या रैलीच्या आयोजनाचा हेतु यावेळी अधोरेखित करण्यात आला. सारे चर्चेस मिलके हम हर साल यहाँ पे ये पाम संडे का दिन एक रैली निकालता है कि कुछ थीम हम लोग करता है कि पहले पिछले बार हम लोग पीस के बारे में बात किया था, इस बार हम लोग यूनिटी के बारे में बात कर रहा है कि हर बार ऐसा कुछ एक थीम लेके सारे जो मिसिया लोग हैं जो यहाँ पे हम लोग एक रैली करता है. ये रैली का उद्देश्य ये है कि हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं सब लोग एक साथ आना है और ये साथ मिलके ये सोसाइटी के साथ हम लोग सब मिलके जीना है. ये मैसेज हम संदेश हम देना चाहता है. वीडियो जर्नलिस्ट मूसा शेखर हम्प्रंस यांचा रिपोर्ट.